चार पंक्तियां गीत को गाने से पहले भगवान को अर्पण कर रही हूं। जरूरी है, जरूरी है। मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया, थी एक धुन आपने सितार दे दिया। मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया, चाही थी एक धुन आपने सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी मेरी मैया, झोली बहुत छोटी थी मेरी मैया, तुमने तो हंस कर सारा संसार दे दिया। सभी के ऊपर क्या बात है, बहुत सुंदर। माँ की कृपा बनी रहे। एक तर्ज है। कौन सी कौन सी कौन सी? एक बड़ी मीठी सी तर्ज आई। हमारी माताएं बहनें सुने बिटिया, फिल्मी लाइन सुना रहे हैं, सुनना और जाना कोई नहीं। इस राउंड के बाद एक बहुत मजेदार गाना हम आप लोग को सुनाएंगे। आओ क्या ढोलक का एक नया तमाशा दिखेगा। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में, ये राज दिल बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी। इसलिए भाई साहब आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी तुमसे प्यार हुआ। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, ओ बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। ये तर्ज है चूंकि हमारे प्रभु राम लला बहुत जल्दी विराजमान होंगे भव्य मंदिर में, तो मैं प्रभु राम का एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना रही हूँ। जरूर जरूर जरूर। विशाल सागर, सागर में उठती लहरें और उन लहरों पर शेष की शैया, शेष शैया पर आराम करते भगवान विष्णु और उनके पैर दबाती माता लक्ष्मी। ऊपर ड्यूटी पर तैनात शेष नाग, अचानक देखिएगा मेरी तरफ, एक छोटा सा कछुआ आ जाता है। एक छोटा सा कछुआ आता है और वो चाहता क्या है? छोटा चाहता है सिर्फ भगवान विष्णु के पैर छूना। लेकिन माता लक्ष्मी, हटो हटो हटो, धत 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 भगा दिया ऊपर से शेषनाग। ये बेचारा कछुआ, ये गायकी के साथ अदायगी भी देखी है आप लोग। बेचारा छोटा कछुआ, बेचारा कछुआ तड़पने लगता है क्योंकि भगवान के पैर नहीं छू पा रहा।
तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देता है, लेकिन एक प्रण करता है, प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा करता है? कहता है, कभी ना कभी ये सुमन मन के खिलेंगे, कभी ना कभी ये सुमन मन के खिलेंगे, प्रभु के चरण एक दिन छूने को मिले, और जब चरण छूंगा तब तुम दोनों तब देखते ही रहोगे, मजबूरी के कारण कुछ ना कहोगे हो। और इस काम को करने में बस एक जन्म तक की दूरी है, सतयुग में पैर नहीं छूने दिए, अरे आऊंगा त्रेता में और पैर छूकर दिखाऊंगा, एक जन्म तक की दूरी है, इतना मुझे प्यार हुआ, और प्रण करता हूं कि पैर छूकर दिखाऊंगा, इसलिए प्रण निभाना जरूरी है, प्रण निभाना जरूरी है, इतना मुझे प्यार हुआ है। और जब त्रेता हुआ तो हुआ क्या? क्या? अरे एक दिन अयोध्या में चमत्कार हो गया, एक दिन अयोध्या में चमत्कार हो गया, दशरथ के घर श्री राम का अवतार हो गया, सीता से हुआ ब्याह, तो ऐसा समय भी आया कि 14 वर्षों के लिए उनको वन में भिजवाया, और वहीं वन में, सुनिएगा, वन में केवट ने धोए पैर, केवट ने धोए पैर, तो हंसकर हौले हौले लक्ष्मण व सीता से श्री राम यूं बोले, क्या बोले? देख लो क्या? अब बताओ। ये ही वो कछुआ है, चलो भैया, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये खुजली वाला हाथ है, दियो बेटा दियो, क्या है, क्या है। देखिए सीता जी, लक्ष्मण जी, ये वही कछुआ है, वही, ये ही वो कछुआ है, कहा प्रभु राम ने, प्रण पूरा कर रहा तुम दोनों के सामने। जब कोई भक्त अपनी भक्ति से जीतता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं, तो किया क्या प्रभु राम ने, नाव से उतर कर है श्री राम टोले, नाव से उतर कर है श्री राम टोले, मुंदरी दिखा के प्रभु केवट से बोले, कहा आपकी ये मजूरी है, आपकी ये मजूरी है, इतना मुझे प्यार हुआ है। लेकिन केवट ने मजूरी नहीं ली, उसने कहा नाथ आज मैं कहा न पावा, अगर कुछ देना चाहते हैं तो इतना कर दीजिएगा कि अगर मैंने आपको नदी पार कराई है तो आप ये जो भव सागर है जीवन रूपी उससे मुझको पार करा दीजिएगा।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो नाव से उतर कर है श्री राम टोले, मुंदरी दिखा के प्रभु के वट से बोले हो। आपकी ये मजूरी है इतना मुझे प्यार हुआ है, अब मुझे आपसे प्यार हुआ है। भगवान राम ने कहा केवट की ओर देखकर, आपकी ये मजूरी है इतना मुझे प्यार हुआ है। अंतिम बात, और ये एक विशेष बात है अवधेश भैया, इसमें त्रेता और द्वापर मिक्स हैं। मिश्रण मिक्स कैसे हैं सुनिएगा। इधर प्रभु ने बाण से बाली को है तारा, भगवान जिसको मारेंगे वो मरेगा नहीं, उतर जाएगा। आओ क्या भाव सागर। सुनिएगा, उधर प्रभु ने बाढ़ से बाली को है तारा, इधर प्रभु के बाढ़ एक बहेली ने मारा। त्रेता में बाली ने कहा कि आपने अन्याय किया, पेड़ों के पीछे से छुपकर मेरे ऊपर वार किया। भगवान ने कहा ठीक है, द्वापर में मैं बनूंगा कन्हैया, तुम बनोगे बहेलिया, और तुम्हारे बाण से मेरे प्राण जाएंगे, हिसाब हो जाएगा बराबर। ठीक है भैया, तो तालियां होनी चाहिए ना। ये लो ताली, ताली, ताली। बहुत 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 धन्यवाद है। यही किया भगवान ने द्वापर में, उस बहेलिये ने जो कि बाली का रूप था, उसने दूर से देखा कन्हैया लाल के पैर में पद्म का चिन्ह बना था, पैर के तलवे में, तो उसको दूर से लगा कि ये मृग की आंख है, उसने तुरंत निशाना साधा और हिसाब बराबर। ये सुनिएगा, उधर प्रभु ने बाण से बाली को है तारा, इधर प्रभु के बाण एक बहेली ने मारा, बाली ही बन के बहेलिया था आया, बाली ही बन के बहेलिया था आया, पद्मा रवि वो ज्ञानी कहाया हो। और इसके लिए खुद दी प्रभु ने मंजूरी है कि तुम मेरे प्राण लोगे, दी प्रभु ने मंजूरी है इतना उन्हें प्यार हुआ। भैया जी, बउआ चाय वाले, अरे तेरी चाहते तेरा राज दिल में, Yeah!
कमेटी की ओर से ये दान प्रदान हुआ है 101 पर पद्म मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। भैया जी भैया चाय वाले परेशान किए। हाँ ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया था बरसों से ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया था ये राज बरसों से दिल में। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। अरे बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। बहन जी और आदरणीय जन समुदाय, आपने कहा आपका सवाल था क्या, अरे कभी ना कभी सुमन ये मन के खिलेंगे कछुआ। उन्होंने कहा आज नहीं छूने दे रहे हो, हाँ कभी तो हमारा समय आएगा। बिल्कुल आएगा वही त्रेता और फिर द्वापर। एक पात्र आपने चुना और एक जन्म की दूरी चुनी। आप दिखाकर लाई है आगे तक, आइए प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल अगर बन जाए तो आशीर्वाद चाहता हूं। बात उस समय की जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। हरे जी तपस्या कर रहे हैं तो हुआ क्या, क्या क्या हुआ। अरे हृदय में वो था भैया जी, हृदय में धारे प्रभु वर की मूरत। दादाजी सात्विक आनंद तो शब्द देखिए, हृदय में धारे प्रभु वर की मूरत थे चाहते एक वर खूबसूरत। उनकी आत्मिक इच्छा थी क्या, अरे आ ही गया वो समय शुभ मुहूर्त। दादा आ ही गया वो समय शुभ मुहूर्त और जब भगवान आए तो और मूरत थी मन में दिखी हर की सूरत। जब भगवान आए भगवान श्री हरि ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा अरे भगवान हम आपको पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। और जब ये कहा तो बात फिट हो गई और प्रयास बना। भगवान श्री हरि ने वरदान दिया और कहा, क्या कहा, एक जन्म तक की दूरी है। क्या बात है, जन्म तक की दूरी है और वहां वहां इतना प्यार किसको हुआ, कछुए को यानी भक्त को और यहां भगवान को प्यार हो रहा है क्या। एक
जन्म तक की दूरी है, मुझे इतना प्यार हुआ है, मुझे आपकी तपस्या से इतनी प्रसन्नता हुई है, मैं आपका पुत्र बनने के लिए लालायित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, एक एक जन्म तक ही दूरी है, इतना मुझे प्यार हुआ है, हरि का आना जरूरी है, इतना मुझे प्यार हुआ है। वरदान दिया, अब देखिए पात्र नहीं बदल रहा दादाजी, वही पात्र। अरे ब्रह्म रूप क्या बात है मास्टर। अरे भैया श्री हर विलास माली जी, माली बिहार चाट वाले, ये 21 प्रपत्र मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से साधुवाद है भैया। वही हरी वरदान सतयुग में, लेकिन त्रेता में देखिए हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। ब्रह्म रूप राम आए जब अवधपुरी में, तो सहनाइयां बजती स्वर माधुरी में, पूरी अवधपुरी खुशियों में झूम उठी, तो कहना पड़ा क्या, अयोध्या सफल सब ही होते हर सिद्ध भैया, अयोध्या सफल सब ही होते हर सिद्ध, दिखा प्रेम माँ को करे आकर्षित हो, माँ को माँ को विकट रूप में दर्शन दिया। बिल्कुल माने माने एक निवेदन किया, बेटा मुझे पुत्र रूप में दर्शन चाहिए, और आखिर पुत्र रूप में भी दर्शन दिया, तो हुआ क्या, अर मांग की माँ की पूरी है, मांग की माँ की पूरी है, उन्हें इतना प्यार हुआ है, अंतिम और आखिरी बात, व्यापर लेकिन पात्र ना बदले तो जवाब, प्रयास है जवाब मैं तो बड़ी बहन को दे ही नहीं सकता। बिल्कुल क्यों, क्योंकि आप सूर्य हैं और हम दिया, हमने यकीन मानिए आप लोगों को देखकर गाना शुरू किया है। बहन जी आप लोग हमारे आदर्श हैं, अगर कुछ बन जाता है छोटे भाई से तो आशीर्वाद चाहता हूं, कहना द्वापर में पात्र नहीं बदल रहा, अरे वही हरि बने, वही हरि बने आकर द्वापर कन्हैया, और वासुदेव है पिता और देव की थी मैया, देव की थी मैया, देव की थी मैया, तो और खुले ताले सारे नजारा तो देखो, सारे पहरेदार सो गए, खुले ताले सारे नजारा तो देखो, मेरे कृष्ण प्यारे का जादू तो देखो, खुले ताले सारे नजारा तो देखो, मेरे कृष्ण का जादू प्यारा तो देखो, वाह क्या, अरे रही कुछ दिन की दूरी है, बस कहां
इस माँ से मिलने में, इस माँ से बिछड़े तो भले रही कुछ दिन की दूरी है, लेकिन आए हाँ इतना उन्हें प्यार हुआ है।